हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति सिंह। माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ चिकन पकौड़े बना के दिखाने, जो बहुत ही आसानी से झटपट बन जाते हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और ऐसा कोई सामान भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं कैसे बनते हैं। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। चिकन पकौड़े के लिए लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन, जिसको मैं ऐसे पतले पतले छोटे छोटे पीसेस करके रखी हूँ। और चाहिए आपको 1 छोटी कटोरी चावल के आटा, 1 छोटी कटोरी बेसन, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप स्वाद अनुसार लेना, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, जिसको मैं थोड़ा सा भून के पाउडर बना के रखी हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 ऑनियन जिसको मैं छोटे छोटे पीसेस करके रखी हूँ, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक के पेस्ट, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून MDF के किचन किंग गरम मसाला, 1 लेमन जिसको मैंने जूस निकाल के रखी हूँ, 1 अंडा और लिया ऑरिगानो जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे, और मैंने थोड़ी सी ऑयल जिसको मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे पेस्ट बनाने के लिए, और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ले रखी हूँ। अब मैं गैस ऑन करके ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिए। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैंने इसमें बेसन, चावल के आटा, प्याज, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक के पेस्ट, सोया सॉस, लेमन, MDH के गरम मसाला, 1 अंडे जो मैं लिया था वो भी। अब इसमें मैं डाल दिया ऑरिगानो और डाल दिया 1 टेबल स्पून ऑयल। अब सारी सामग्री को मैंने क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। कभी भी आपके घर में गेस्ट आए तो एज द स्टार्टर बहुत आसानी से जल्दी बन जाते हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसको मैंने क्या करना है, इस तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसके अंदर सारा सामान मिक्स हो जाएगा, सारा मसाला। अंडा मैं इसलिए डाली हुई, आपका ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि अंडा देने से क्या होता है, जो बेसन चाहे सारा मसाला इसके साथ ना बहुत अच्छी तरीके से ये पकड़ के रखते हैं, इसीलिए अंडा देना बहुत जरूरी होता है। तो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, और देने से स्वादिष्ट भी बनते हैं। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए, अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख देंगे। ऑयल भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब इसमें मैंने क्या करनी है, पीसेस को फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हो 10 मिनट में कितने अच्छी तरीके से इस मसाले के साथ मिक्स हो गया। अब इसको मैंने शीम आंच पे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्राई भी हो जाएगा, सारा मसाला इसके साथ मिक्स भी हो जाएंगे और आपका चिकन भी पक जाएगा। एक साइड मेरा पक चुके हैं, अब इसको मैंने क्या करना है, धीरे धीरे पलट देंगे। इसको तेज आंच में मत पकाना, धीरे धीरे शीम आंच पे पकाना, तो बहुत खाने में स्वादिष्ट बनेगा। जल्दबाजी करोगे तो क्या होगा, पक तो जाएगा लेकिन खाने में भी वो स्वाद नहीं आएंगे। अब देख सकते हो चिकन मेरे फ्राई हो गए हैं। इस तरीके से मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। चिकन मेरा फ्राई हो गया है। चिकन पकौड़ा बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है।
और बहुत झटपट बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये बहुत अच्छे शाम के स्नैक्स हैं। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, माया किचन को सब्सक्राइब करने भूलना मत।